बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से क्रिकेट विकेट के साथ मैं हूं इकरा हफीज। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के हाथों एक रन से अपसेट, शिकस्त के बाद सुपर 12 राउंड का ग्रुप टू दिलचस्प हो गया। पाकिस्तान टीम को दोनों मैचेस में शिकस्त हुई, पहले मेलबर्न में भारत ने और फिर पर्थ में जिम्बाब्वे की शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए अगले राउंड तक रसाई मुश्किल हो गई है। बाबर आजम 11 को अपनी कारकर्दगी के साथ दीगर की कारकर्दगी पर भी निसार करना होगा, यानी एक बार फिर टीम पाकिस्तान अगर और मगर की आस पर है। पाकिस्तान टीम के लिए सबसे पहला हदफ तो ये है कि उसने अब हारना नहीं है। अगले तीनों मैचेस में उसे नीदरलैंड, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश को शिकस्त देनी है और अच्छे मार्जिन से देनी है। अगर कहीं भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो समझे काम ख़त्म। ग्रुप में हर टीम दो दो मैच खेल चुकी है, जिसके बाद भारत 4 पॉइंट्स के साथ पहली, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे 3-3 पॉइंट्स के साथ दूसरी और तीसरी जगह, बांग्लादेश 2 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर है। पाकिस्तान और नीदरलैंड का अब तक कोई पॉइंट नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप टू के मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे के 131 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों पर 129 रन बना सकी। पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद जिम्बाब्वे के सदर एमरसन मेंगागुआ ने भी ट्वीट करते हुए अपनी टीम को मुबारकबाद दी और साथ ही बज़ाहिर पाकिस्तान को एक पैगाम भी दिया कि अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना। ताहम बाद अज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्बाब्वे के सदर को ट्वीट के ज़रिए जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास असली मिस्टर बीन नहीं, लेकिन हमारे पास क्रिकेट का असली जज्बा है और हम पाकिस्तानियों को मज़हका खैज़ आदत है कि वो अच्छी वापसी करते हैं। शहबाज शरीफ ने साथ ही जिम्बाब्वे के सदर को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपकी टीम अच्छी खेली। टी20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त पर साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने चेयरमैन पीसीबी समेत मैनेजमेंट को खरी खरी सुना दी। जिम्बाब्वे के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पर अपने यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू में शोएब अख्तर ने कहा कि बार बार कह रहा हूं कि हमारे ओपनर्स और मिडल ऑर्डर इस काम के नहीं जहां हम इतनी बड़ी कोई जीत हासिल कर सकें, मुसलसल हम नहीं जीत पाएंगे। पाकिस्तान के पास अच्छा कप्तान नहीं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान एक बार फिर जिम्बाब्वे से हारा। उन्होंने कहा कि कप्तानी और मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ये किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह नहीं हो सकता। मुंह उठाया और चले गए, वो आपके लिए सहरे लेकर खड़े होंगे कि मैच पकड़ा देंगे। आप जिम्बाब्वे से हार गए, ये बात आपको समझ नहीं आ रही। मैनेजमेंट से लेकर चेयरमैन पीसीबी तक सब नील बटा नील हैं, अकल ही नहीं किसे सिलेक्ट करना है, किसको लेकर जाना है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें देसी टीवी यूएसए या विजिट करें हमारी वेबसाइट desitvusa.com।